नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 4 दिन हो गए होंगे हमें वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए, आप लोगों से बात की हुई, तो एक अंदर से अलग खुशी हो रही है कि फाइनली आज जो है मैं आप लोग से मिल रही हूँ, और हमें देख के आप लोग भी खुश होंगे। तो क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाभी ने वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया, क्यों अपलोड नहीं किया, तो आप लोग को पता ही था कि हमारे भैया की जो है तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब हमारे भैया जो है ठीक, और इस समय सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ अपने नए वाले घर में। यहाँ पूजा हम करते हैं, वहाँ से मंदिर में जो है इस रूम में कर दिया है, तो यहीं पर हम आके पूजा कर लेते हैं सुबह सुबह, फिर उसके बाद जाते हैं वहाँ खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने वाला एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज आ जाओ, आप लोगों को लेके चलते हैं अपने माता रानी के पास, यानी अपने मंदिर में माँ का दर्शन कर लो। काफ़ी दिन हो गए दर्शन किए हुए, मतलब आपको कराए हुए अपनी माता रानी का, तो हमने सोचा चलो सुबह सुबह आप लोग को भी करा दें, क्योंकि माँ का धन्यवाद भी मुझे करना है, और माँ ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, बस यही खुशी है और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। जा रहे हैं, चाय नाश्ता बनाएंगे, और अभी हमारे बच्चे जो है सो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लें आप लोगों से, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ। तो दोस्तों, आज जो है हमारे भाई जी आ रहे हैं, मेरा छोटा वाला भाई। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भैया की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मम्मी ने उनको भेजा हुआ है कि जाओ देखाओ। तो वही मेरे भैया को देखने के लिए मेरा भाई आ रहा है, मेरे मायके से ही। मतलब कौन है, सिर्फ मेरा भाई ही है, बाकी सारे लोग जो है मुंबई चले गए, कोई नहीं है, सिर्फ भैया हैं, मम्मी हैं और पापा हैं। तो पापा नहीं आ सकते क्योंकि पापा की जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब है, तो इसी वजह से पापा नहीं आए। और अगर पापा को आराम होता तो पापा हमारे ज़रूर आते हैं हमारे घर मेरे भैया को देखने के लिए, तो उनकी मजबूरियां हैं, क्या करें यार। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते हैं ना, तो इसलिए पापा नहीं आ रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई आ रहा है जो हमेशा आता है, और बाकी जो भाई हैं वो तो सब मुंबई चले गए, शादी के बाद ही सब चले गए थे। हम जो बहने हैं अपने घर चले आए, और जो मेरे दोनों भाई हैं वो मुंबई चले गए, बड़े भैया छोटे भैया और भाभी लोग सब लोग चले गए। तो घर पे अब इस टाइम जो है पापा हैं, मम्मी हैं और मेरा छोटा वाला भाई है, और ये भी जाने वाला है मुंबई बहुत ही जल्दी, ये भी चला जाएगा, फिर पापा भी चले जाएंगे। तो उसके बाद जब तक मेरा भाई है छोटा वाला तब तक आ रहा है, उसके बाद तो नहीं आएंगे। जब मुंबई से घर आएंगे तब आएंगे मिलने मुझसे, मेरे बच्चों से मिलने। तो इस टाइम साफ कर रही हूँ चावल, चावल के जो कंकड़ होते हैं ना वही निकाल रही हैं, देखो तो वही हम निकाल रहे हैं। चलो इसको साफ कर लेते हैं, नहीं तो अभी वो आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। और मैं आपको अपने भैया से भी मिलवाऊंगी, आप लोग हमारे भैया से भी मिल लेना, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं सच में, शादी के हमें इतने दिन हो गए आए हुए, तो आज आ रहे हैं भैया हमसे मिलने, मेरे भैया को भी देखने। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो हमारा जो है बेटा चॉकलेट खा रहा है। मैं बोल रही थी कि लाओ मैं उसके जो पन्नी होती है इसे निकाल दें, तो इसके बाद खाओ, बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं खुद निकाल के खाऊंगे। देखो जब जितनी बार मैं मांगती हूँ कि लाओ भैया निकाल दें, लाओ निकाल दें, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, और अंत में जाके वो खाएगा भी नहीं। लेकिन बच्चे की जिद होती है ना, उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चॉकलेट मम्मा ले लें। पर ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन वो किसी को नहीं देता, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं देता। यहाँ पर देखो
मामा और भांजी मिलके जो है मोबाइल चला रहे हैं। तो भैया हमारे गए हैं हमारे बेटे को जो है मम्मी को लेके साथ में सुई लगवाने, तो वो लगवा के आएंगे। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं यहीं पे इंतज़ार करती हूँ मम्मी और अपने भाई का। और यहाँ पे देखो जानवी हमारी बैठ के जो है वो देख रही थी कार्टून, तो मैं उसे बुलाई कि आ जाओ मेरे वीडियो में, तो वही आ रही है और मोबाइल लेके। जितनी बार मैं सोचती हूँ कि ये मोबाइल रख दें, कोई ऐसा काम इसको मतलब दे दें कि उसी में बिजी हो जाए, लेकिन वो जल्दी होती ही नहीं। क्या करें यार, हम तो परेशान हो गए। तो दोस्तों मम्मी ने बोला कि आम धुल के रख देना, तो ये देखो आम जब मेरा भाई आएगा उसे काट के दे देना, मतलब अपने भाई को। तो यहाँ पे देखो हम तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ बोला तो उन लोगों को भी हंसी आ गई और हमें भी हंसी आ गई। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों दो दो खुशी है, मैं आप लोगों से पूरे वीडियो में आज यही बोलने वाली हूँ कि मुझे दो दो खुशी है, बहुत सारी खुशी है, क्योंकि मेरा बेटा जो है मेरे कलेजा का टुकड़ा वो ठीक हो गया है और मेरा भाई भी आया है मेरे मायके से। तो आप लोग सोच ही सकते हैं दुगनी खुशी हो गई है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, भाई से भी थोड़ा सा बात कर लें, नहीं तो बोलेंगे दीदी आते ही कैमरा उठा लेती हो। तो दोस्तों मेरा भाई जो है चला गया, फिर मैंने सोचा जाने दो उनको, उसके बाद मैं बात करूँगी। तो भैया को सुलाते सुलाते मुझे मेरी भी आँख लग गई थी, मैं भी सो गई। तो बाहर जो है बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही, भैया कह रहे हैं मुझे बाहर जाना है, चलो लेके चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आसमान कितना साफ है, बारिश हो रही थी जैसा मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी। तो हम भैया जो है घर में ही थे, भैया को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, भाई तो चला गया मेरा, अरे करीब जो है 3 घंटे तक थे, उसके बाद चले गए। बोले कि दीदी मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो वो चले गए, फिर जो है मम्मी बोले कि जाओ भैया को सुला दो, फिर मैं उसे सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। तो मैंने सोचा चलो आप लोग से शाम को बात कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है ना, ये देखो। तो मैं अधिकतर यहीं पे ही आप लोगों से बात करती हूँ, यहीं पे आके आप लोगों से बात करती हूँ। जब मुझे बात करनी होती तो मैं यहीं आ जाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ जो है शांति भी रहती है, कोई चिल्लुपो नहीं, बस हाँ एक आवाज़ आती है चिड़िया की, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारी चिड़ियाँ हैं, तो जो है वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं अपनी भाषा में, उन्हें भी कुछ चाहिए दाना वाना चुगने के लिए आ जाती हैं, तो वो अपनी भाषा में बात करती हैं एक दूसरे से। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चिड़िया आपस में ही लड़ाई करने लगती हैं, जगह पता नहीं क्या बोलती हैं इतना ज़्यादा तेज करती है ना कि हम क्या बताएं। चलो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, आप लोग देख लो, काफ़ी दिन हो गए और बहुत दिन हो गए हैं मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर किए हुए। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दो दो खुशी है, एक मुझे आप लोगों से मिलना है और दूसरी जो है आज मेरा भाई आ रहा है मेरे घर, वो भी खुशी है। आ नहीं रहा है, आपने मेरे भाई को देखा, सॉरी, आप लोगों ने मेरे भाई से भी मिल लिया ना, क्या करें आज जबान है कभी कभी फिसल जाती है। मैं बोल रही हूँ कि आ रहा है और जबकि मेरा भाई आके चला भी गया और शाम हो गई है। देख सकते हैं अब मैं जो है ना छत पे जाती तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता, लेकिन मैं यहाँ नीचे से ही आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हुई थी और भी ठंडी है हवा, ये आप लोग देख सकते हैं। बार बार यही बोलेंगे कि भाभी आप लोग देख सकते हैं, अरे हम लोग तो देख ही रहे हैं, बताने की क्या ज़रूरत है, आप जो बोल रही हो कि बार बार आप लोग देख ही सकते हो। तो आदत सी पड़ गई है आसमान, ये देखो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे अबे की तबीयत भी ठीक हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ इस टाइम मेरा बेबी जो है वो ठीक है, तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, मुझे जो है बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना बहुत जल्दी।
आपकी आराध्या यानी आपकी भाभी फिर से मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।